सर कैसी लगी फिल्म? हाँ सर, अच्छी फिल्म थी सर, मज़ा आ गया सर। क्या खास लगा फिल्म में? हाँ, काफ़ी कुछ खास था सर फिल्म में। VFX सीन्स वगैरह आप देखिए, क्या ज़बरदस्त क्रिएट किए गए हैं। ऊपर से हमारी एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जानने को मिल रहा है, हमारे अस्तों के बारे में बताई गई काफ़ी सारी चीज़ें, जो मतलब इससे पहले ना हमने कहीं सुनी है ना देखी है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखिए, अमिताभ बच्चन जी तरह तरह के वो अस्त्र देखने को मिल रहे हैं, जैसे रणबीर कपूर बने हुए हैं भैया, वो बने हुए, शाहरुख खान वानर अस्त्र बने हुए हैं, उनका भी कैमियो अपीयरेंस था, अमिताभ बच्चन है वो भी, गुरुजी भी बने हुए हैं अस्त्र, वो सब चीज़ें काफ़ी देखने को मिल रही हैं, मज़ा आया। साथ में रणबीर कपूर आलिया भट्ट की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर देखने को मिली, तो अच्छे लगे ये दोनों भी साथ में काफ़ी ज़्यादा। स्टार्टिंग में देखिए शिवा से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उनका सॉन्ग वगैरह वो सब आता है, फिर वो ईशा, उनको पता है उनके पास पावर्स है लेकिन उन्हें पता नहीं रहती, तो धीरे धीरे पर चलता है, फिर आलिया भट्ट को आलिया भट्ट से छुपाते हैं कुछ टाइम पर, फिर उन्हें पता चलती है धीरे धीरे ऐसे, फिर वो इंटरवल के पहले अमिताभ बच्चन जी की एंट्री हो जाती है, फिर वो सब ब्रह्मांश के बारे में वो रणबीर कपूर को बताते हैं, वो सब काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मौनी रॉय देखिए, वो भी ब्रह्मांश को हासिल करना चाहती है, वो उनका भी नेगेटिव रोल है देखिए, लेकिन इतनी ज़्यादा दमदार मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एक्टिंग की है। VFX फिल्म में भर भर के हैं पूरी, मतलब फिल्म में VFX की भरी पड़ी है, लेकिन कहीं कहीं आपको थोड़ा सा लगा कि ज़्यादा ही रेड सी हो गई है मूवी। अब देखिए ज़्यादातर सीन्स में पूरी रेड सी चल रही है, तो एक समय के बाद ऐसा लगने लगता है कि ज़्यादा ही रेड हो गया। बाकी BGM वगैरह फिल्म का काफ़ी दमदार है, सॉन्ग सुन के अच्छे हैं, सभी को देखनी चाहिए। हमारे अस्त्रों के बारे में भी कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो सभी को रिकमेंड करूँगा कि देखें। फिल्म ने बोर किया कहीं पर? हाँ बोर तो सर फिल्म फर्स्ट हाफ तो सर फिल्म का ब्रिलियंट है सर, बिल्कुल आपका मज़ा आ जाएगा, एक सेकंड के लिए भी आप बोर नहीं होंगे। VFX से लेकर एक्शन सीन्स वगैरह जितनों भी जो भी कुछ है, सॉन्ग्स डायलॉग सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, फर्स्ट हाफ में बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे आप, पूरे इंगेजिंग है। लेकिन सेकंड हाफ में आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीच में थोड़ा सा फिल्म बोर करती है, उसका क्लाइमैक्स के टाइम फिल्म जबरदस्त पेस पकड़ती है और मज़ा आ जाता है। 5 में से कितना स्टार? 5 में से फिल्म को 4 स्टार्स दूंगा, काफ़ी अच्छी फिल्म थी, सभी को देखना।